Hello class 5th, today we will do chapter 4 operations on large numbers. तो देखो अब तक हम subtraction कर चुके हैं, addition कर चुके हैं, अब हम करेंगे multiplication. So पहले हम करेंगे इसकी properties और आपको properties इसी तरीके से अपनी notebook में लिखनी है. तो video में आप कैसे लिख पाओगे, video में आपको pause करना है. ये देखिए ये वाला पूरा board आपको visible होगा, यहाँ पर आपको पॉज करना है और पॉज करके अपनी नोटबुक में ये सारे प्रॉपर्टीज लिखनी है विद एग्जांपल्स. प्रॉपर रफ कॉलम ड्रॉ करने हैं, ऐसा मत करिएगा कि प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम इस पेज पर तो रफ कॉलम ड्रॉ ना करें, पेंसिल से ही आपको रफ कॉलम ड्रॉ करना है. चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज When the order of numbers is changed, यानी कि आप order, यानी कि कुछ कोई भी value या तो आगे लिख दो, पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो product आएगा वो same आएगा. जैसे हम बात करते हैं 63 into 27, तो जब आप 63 into 27 को multiply करेंगे तो answer आएगा वो बिल्कुल same होगा अगर आप 27 को 63 से multiply करेंगे. ठीक है, ये आप ट्राई भी करके देख सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, ये हो गया एग्जांपल ए. दूसरा एग्जांपल देखिए 7 और 9, तो 7 9 सार 63. अगर मैं यहाँ पर 9 into 7 लिखूं तो 9 7 सार 63. देखिए 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वही आंसर आ रहा है, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वही आंसर आ रहा है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड. तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर तीन वैल्यूज ली हुई है और इनको अलग अलग तरीके से ग्रुप किया हुआ है. जैसे 7 को हमने बाहर लिखा है, 6 और 3 को ब्रैकेट में लिखा है. यहाँ पर हमने 7 और 6 को एक साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो चलिए देखते हैं कि आंसर्स कैसे सेम आ सकते हैं. सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं. तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 6 3 18. अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, आएगी या नहीं आएगी, हम पहले ट्राई करते हैं. तो हमने सबसे पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आया. अब यहां पर देखिए सबसे पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मल्टीप्लाई 3. देखिए सेम आया ना, सेम आ गया. यहाँ भी 126, यहाँ भी 126. यानी कि आप थ्री नंबर्स को किसी भी तरीके से ग्रुप करो, आंसर आपका सेम आएगा, प्रोडक्ट आपका सेम आएगा तीनों नंबर्स का. तो अब हम करते हैं आगे की प्रॉपर्टीज. ये सब्जी वाले को देखो. ओके क्लास 5th, नाउ वी विल डू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 23 लिखा हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट में 100 प्लस 25. देखिए इस वाली वैल्यू को सबसे पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने किया. बीच में किसका साइन है, बीच में साइन किसका है, एडिशन का है, एडिशन का साइन हमने बीच में लगा दिया. इसके बाद ये वाली वैल्यू भी हम इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 25. ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू लिखी है और ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 कितनी भी वैल्यूज हो, ये वैल्यू इन सब से मल्टीप्लाई होगी. अब आप आंसर फाइंड करके देखिएगा, ये सेम निकलेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके 100 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 23 मल्टीप्लाई 125. और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, देन ऐड करिएगा, दोनों का आंसर कैसा आएगा,
सेम आएगा. तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. अब मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन. वन सब लोग जानते हैं, किसी भी नंबर में, किसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू में अगर आप वन मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा. जैसे मल्टीप्लाई कर दो 1000 को, मल्टीप्लाई कर दो वन से, क्या आएगा 1000. 78 को मल्टीप्लाई कर दो वन से, क्या आएगा 78. 84 को मल्टीप्लाई करो वन से, 84. तो अगर आप किसी भी नंबर को, एनी नंबर को, कोई भी नंबर हो, उसे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा. देन मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मतलब कि आप किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करो, कोई वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, 25, 35, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ठीक है, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर हमेशा क्या ही आएगा, जीरो.